छन किलो के किलो सर्फा साबुन लाई गेल आ कपड़ा मैल के मैले छै साफे नहीं होय छै। की भेल देखै नै छियै ई कपड़ा? तो आब कपड़ा सफाई के लेल चिंता नै करू किएक तऽ आब अहाँक बाजार में आबि गेल अछि हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट। अरे वाह, कपड़ा के सफाई एहन जे देखा में बिल्कुल नया लागे। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई। जी हाँ, हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट जे दोसर सर्फ के अपेक्षा कपड़ा के पूरा चिकनाई एवं सफाई के साथ रंग के सेहो 100% गारंटी दे। जीडी इंटरनेशनल कंपनी सिलवासा के उत्पादन हाईदीप टॉयलेट क्लीनर, हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट, हाईदीप ब्लैक फिनाइल और हाईदीप हैंड वॉश बाजार के सब दुकान में उपलब्ध है। सब प्रकार के साफ सफाई के उत्पादन तो घर में साफ सफाई के लिए मात्र प्रयोग करो जीडी इंटरनेशनल कंपनी के उत्पादन। आज से मेरा घर तेरा हो गया। डीलर एवं डिस्ट्रीब्यूटर बनवाक लेल इच्छुक व्यक्ति संपर्क करी। संपर्क मोबाइल नंबर 7203956887। संपर्क मोबाइल नंबर एक बेर फिर से 7203956887। दरभंगा शहर में हुए सोना लूट कांड मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है पुलिस के द्वारा, जहां समस्तीपुर में कई जगहों पर पुलिस ने छापेमारी की है, जिसमें 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और लूट के 1.5 किलो सोना सहित नगद बरामद होने की खबर आ रही है, जहां पुलिस के कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन इस मामले को लेकर के जल्द ही खुलासा करने की बात भी सामने आ रही है। तो जल्द ही जो सोना लूट कांड के मामले में और भी अपराधी की गिरफ्तारी हो गई है, जिससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि पुलिस के द्वारा कुछ भी कहने से इनकार किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 1.5 किलो सोना सहित नगद बरामद हुई है और जल्द ही इस मामले में खुलासा होगा। पुलिस जो है काफ़ी, जब विकास झा को गिरफ्तार किया था सोना लूटकांड मामले में कुछ ही दिन पहले, तब पूछताछ में पता चला था कि समस्तीपुर का गिरोह भी इस लूटकांड में शामिल है। तब से लगातार पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और इसी में एक कामयाबी भी मिली है, जहां सूत्रों के हवाले से पता चला है कि 1.5 किलो सोना सहित नगद बरामद हुई है, जहां 7 संदिग्धों को हिरासत में पुलिस ने लिया है। तो एक बड़ी कार्रवाई हुई है पुलिस के द्वारा सोना लूटकांड मामले में। दरभंगा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बेला मोड़ के पास घटी घटना, जहां बंद पेट्रोल पंप की टंकी कटाई के दौरान फटी, जहां 2 मजदूर हुए घायल, गंभीर स्थिति में DMCH में रेफर कराया गया है, जहां इलाज किया जा रहा है। वहीं कई मकान क्षतिग्रस्त भी हो गए हैं। तो बता दें कि दरभंगा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बेला मोड़ की घटना है, जहाँ बंद पड़े पेट्रोल पंप की टंकी की कटाई हो रही थी, इसी दौरान टंकी फट गई और जिससे 2 मजदूर घायल हो गए। सभी मजदूर का इलाज DMCH में चल रहा है। टंकी फटने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे विश्वविद्यालय थाना की पुलिस लिया जायजा। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बेला मोड़ के पास बंद पड़े पेट्रोल पंप की टंकी कटाई के दौरान फट गई, जिसके बाद मजदूर घायल हो गए और कई मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया है। यह एक बड़ा धमाका के रूप में था, जहां इस मामले की छानबीन के लिए विश्वविद्यालय थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुँच करके मामले की छानबीन कर रही है और कि क्या वजह रही है इसकी भी जांच हो रही है कि आखिर इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ, इसकी पूरी तहकीकात विश्वविद्यालय थाना की पुलिस कर रही है। दरभंगा के 3,055 बेसहारा लोगों को दिया गया कंबल, सुनकी एवं बिरौल के
99 बेसहारा को मिला कंबल। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम के आदेश के आलोक में कुष्ठ आश्रम सुनकी में 50, बुनियादी केंद्र बिरौल में 44, कुल 99 जरूरतमंद बेसहारा लोगों के बीच सामाजिक सुरक्षा कोषांग दरभंगा द्वारा कंबल का वितरण किया गया। जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग दरभंगा के सहायक निदेशक नेहा नूपुर ने बताया कि दरभंगा जिले में दिसंबर माह में जब से शीतलहर का प्रकोप प्रारंभ हुआ है तो जिलाधिकारी दरभंगा ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मंदिर के समीप एवं सड़क किनारे मिलने वाले बेसहारा एवं जरूरतमंद लोगों को ढूंढ ढूंढ कर कंबल उपलब्ध कराने का निर्देश दिए ताकि उन्हें इस कड़ाके की ठंड एवं शीत लहर के प्रकोप से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि दिसंबर के प्रथम सप्ताह से अब तक दरभंगा जिले के कुल 3,055 जरूरतमंद एवं बेसहारा लोगों के बीच कंबल का वितरण किया जा चुका है। भाकपा माले के बहादुरपुर कमेटी के द्वारा दरभंगा समरणालय परिसर के बाहर गेट के समीप जोरदार प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदर्शनकारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जो बहादुरपुर के डरहार में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की बहाली हुई है उसमें धांधली की गई है। इसी धांधली के विरोध में आज हम लोग प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। सेविका बहाली में सुपरवाइजर जो है निधि कुमारी, उनके द्वारा बड़े पैमाने पर रिश्वत लिया जाता है। आपको पोषाहार में 3,000 रुपया लेता है और 9,000 कहता है सेविका तुम अपने घर में रखो। ये विडम्बना कोई बहादुरपुर के ही नहीं है, बहेरी के जो सीडीपीओ है उसका भी यही हाल है। किसान बटाईदारों का अनिश्चितकालीन धरना का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंककर किया विरोध। दरभंगा समरणालय पर किसानों और बटाईदारों का अनिश्चितकालीन धरना का आज दूसरा दिन जारी रहा, जिसका नेतृत्व अखिल भारतीय किसान महासभा और भाकपा माले ने किया। आज दूसरे दिन में आंदोलनकारियों के द्वारा लहरिया सराय टावर के समीप मार्च करते हुए पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार के कृषि मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया और अपना विरोध प्रकट किया। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा द्वारा स्थानीय अध्यक्षताओं को उपलब्ध कराई गई अध्ययन सामग्री। इग्नू कई अर्थों में परंपरागत विश्वविद्यालयों से भिन्न है। इसके अध्ययन अध्यक्षताओं के द्वारा अध्ययन के लिए स्वाध्याय सर्वोत्तम माध्यम है। इग्नू की अध्ययन सामग्री छात्रानुकूल, उच्च स्तरीय तथा व्यवस्थित होती है, जो पूरी तरह छात्रों के स्तर को ध्यान में रख कर तैयार की जाती है ताकि छात्र अपनी सुविधा अनुसार से कभी भी कहीं भी स्वयं अध्ययन कर सके। परंतु शंका या सामग्री को समझने में कठिनाई होने पर वे अध्ययन केंद्र के काउंसलर से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उक्त बातें इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह ने केंद्र पर जुलाई 2020 सत्र में नामांकित विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराते हुए कहा। सारे विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें से कुछ आज आए तो उनको आज अध्ययन सामग्री दी गई और इस अवसर पर उन्हें हमने संबोधित करके बतलाया कि वर्तमान परिस्थिति में कैसे आप अध्ययन करें। और इग्नू में जैसा कि आप सब जानते हैं कि अध्ययन की जो जवाबदेही है वो विद्यार्थियों के कंधे पर होती है, क्योंकि यह लर्नर सेंट्रिक सिस्टम है। इसमें विद्यार्थी यह नहीं कह सकता कि हमें पढ़ाई नहीं हुई या कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ या शिक्षक नहीं आते हैं। इसमें जो भी पढ़ना है विद्यार्थियों को 90% स्वयं पढ़ना पड़ता है।
इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा कार्यालय में आज अध्येताओं के मुख्य रूप से अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इग्नू के नियमानुसार जो अध्येता नामांकन लेते हैं उन्हें एक माह के लगभग समय में दूरस्थ विद्यार्थियों को डाक के माध्यम से उनके घर के पता पर पाठ्य सामग्री पहुंचा दी जाती है और जो स्थानीय होते हैं उन्हें बुला करके कार्यालय में दिया जाता है ताकि वे आ करके विभिन्न प्रक्रियाओं से अवगत। टीकापट्टी दोकली में जलमीनार गिरने के मामले में दोषियों के विरुद्ध होगी प्राथमिकी, दरभंगा जिलाधिकारी ने दिए आदेश। दरभंगा जिला अंतर्गत बहादुरपुर प्रखंड के टीकापट्टी दोकली पंचायत के वार्ड नंबर 9 में बनाए गए जलमीनार के क्षतिग्रस्त हो जाने के मामले में जलमीनार निर्माण कार्य की विस्तृत जांच बहादुरपुर प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी सह जिला परिवहन पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल दरभंगा से कराई जा रही है ताकि MB एवं अग्रिम निकासी की स्थिति सहित पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। जिलाधिकारी ने जल मीनार गिरने की घटना को प्रथम दृष्टा कार्य की गुणवत्ता संदिग्ध होना पाया है और इसके लिए संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। विस्तृत जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी एवं कार्रवाई तय है। प्रखंड के कंसी पंचायत के महेश महतो के 5 पुत्रों को आधार कार्ड में सेम डेट ऑफ बर्थ से हो रही है परेशानी। बताते चले कि दरभंगा जिला के सदर प्रखंड क्षेत्र के कंसी पंचायत में रहने वाला महेश महतो को 5 बच्चे एक ही जन्म तिथि में जन्मे। इसकी जानकारी महेश महतो को तब मिली तब वह टिकट काउंटर पर रेलवे के रिजर्वेशन टिकट कटाने के लिए पहुँचे। इस दौरान उन्हें टिकट मास्टर ने महेश महतो के 5 बच्चे का जन्म तिथि 2008 की है यह देखकर टिकट मास्टर भी अचंभित हो गए। 2008 में महेश महतो ने एक साल में 5 बच्चे पैदा कैसे कर दिया यह बात है। जब खुद महेश महतो को टिकट मास्टर ने बताया तो महेश महतो ने अपने माथे पर हाथ देखकर अचंभित हो गया कि 5 बच्चा 2008 में ही कैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया। जिसको लेके जानकारी देते हुए टिकट मास्टर ने कहा कि आधार कार्ड आपके सभी बच्चे के जन्म तिथि 2008 ही है, सभी जन्म तिथि गलत है, इसे सही करा के लाइए तब जाके आपका टिकट बनेगा। 2008 में सर आधार कार्ड बना था ना, उसी टाइम में हमको 2008 में कार्ड बनाया और सबका अलग अलग डेट है सर, और सबको 2008 ने सबको जन्म तिथि दे दिया। एक महीना के अंदर 4 दिन के अंदर सब बच्चा को जन्म बना दिया है। उसके बाद हमको टिकट बनवाने गए सर, तो हमको टिकट मास्टर बोला है इसको सबके नहीं बनेगा, सबके एक ही डेट है, इसलिए हम परेशान हो गए सर। हम बाहर कमाने खाने वाला आदमी है, विकलांग है, उसके बाद हमको बहुत बेलना बेलने पड़ता है सर, नहीं जल्दी सुधार होता है। क्या नाम हुआ आपका? महेश महतो। कहाँ घर हुआ? कंसी, कंसी मैया। दरभंगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यालय में जिला अग्रणी प्रबंधक अजय कुमार के अध्यक्षता में समस्त बैंक के प्रबंधक के साथ समीक्षा बैठक की गई। बता दें कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जिला अग्रणी जिला प्रबंधक अजय कुमार की अध्यक्षता में जिला के समस्त बैंक के प्रबंधक के साथ वार्षिक कार्य योजना PM स्वनिधि मुर्गी पान मछली पान एवं किसान क्रेडिट कार्ड एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लोन एवं लोन के आवेदन दोनों के बैंक द्वारा निष्पादन की समीक्षा किया गया। समीक्षा बैठक के तहत पाया गया कि PM स्वनिधि के 2028 आवेदन दरभंगा नगर निगम एवं बेनीपुर नगर परिषद द्वारा सृजित किए गए थे, जिसमें दरभंगा जिला के बैंकों ने मात्र 668 का ही स्वीकृत एवं 317 का ही वितरण किया तथा शेष 1360 आवेदन विभिन्न बैंकों के पास लंबित है, जिससे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का योगदान नगण्य है। इसी तरह
से मछली पालन हेतु किसान क्रेडिट कार्ड 1030 आवेदन विभिन्न बैंकों पर जिला मत्स्य पालन पदाधिकारी द्वारा भेजा गया था। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आवेदन सृजित कर जिले के विभिन्न बैंकों पर भेजे गए थे, जिससे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक अपने लक्ष्य के प्रति उदासीन रहने के कारण स्वीकृत एवं वितरण में अपने वार्षिक लक्ष्य कहीं नज़र नहीं आ पा रहे हैं। इस समीक्षा बैठक में चर्चा करने के लिए दरभंगा नगर निगम के सिटी मैनेजर संतोष कुमार उपस्थित रहे। अंतर्गत खुटवारा पंचायत के उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक कैंपस में कोरोना वायरस का जांच किया गया। बता दें कि लगातार पिछले कई माह से कोरोना जांच को लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पंचायत में कैंप लगाया जाए, जिसको लेकर खुटवारा पंचायत के उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में कैंप लगाया गया, जिसका नेतृत्व अनवर आजम मुखियापति के द्वारा किया गया। वहीं इस जांच में 45 लोगों की जांच की गई, जिसमें सभी को नेगेटिव आया, एक भी पॉजिटिव नहीं पाया गया। दरभंगा मिथिलांचल फाउंडेशन के द्वारा दरभंगा यातायात पुलिस चेक पोस्ट का हुआ साफ सफाई, स्वच्छता को लेकर पुलिस कर्मी से हुई थी चर्चा। बताते चले कि मिथिलांचल फाउंडेशन के कार्यकर्ता के सहयोग से दरभंगा ट्रैफिक पुलिस चेक पोस्ट का साफ सफाई किया गया, जिसमें बीते कई महीनों से काफ़ी गंदगी थी। चेक पोस्ट पर यातायात कर्मी को भी काफ़ी परेशानियां होती थी। आज संस्था के कार्यकर्ता ने आयकर चौक चौराहा चेक पोस्ट का साफ सफाई किया। दरभंगा यातायात DSP बिजू पासवान एवं यूनिवर्सिटी थाना और शहर के चेक पोस्ट की सफाई को लेकर मीटिंग हुई, जिसमें स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान को लेकर शहर के यातायात चेक पोस्ट, आयकर चौराहा, दोनाद, ली मोड़, बाग मोड़ सहित कई जगहों पर चेक पोस्ट को सफाई किया गया मिथिलांचल फाउंडेशन के कार्यकर्ता द्वारा।